आज आपको ऐसी धमाकेदार खबर दिखाते हैं जो आपको बेहद खुश कर देगी। कश्मीर में हुई G20 बैठक के तुरंत बाद भारत 30 देशों को एक भव्य मंदिर के दर्शन कराने ले गया, और वो भी एक मुस्लिम देश में। आप जानते ही हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 2018 में इस मंदिर की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, और माना जा रहा है कि 2024 में ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। भारत अब इसी मंदिर में 30 देशों के राजदूतों को लेकर पहुंच गया। इस मंदिर में मुस्लिम देशों के राजदूत भी दर्शन के लिए पहुंचे। इन 30 देशों में इसराइल के राजदूत भी शामिल थे। इसके अलावा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, बांग्लादेश और मालदीव के राजदूत भी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। ये सभी राजदूत मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर की गई बारीक शिल्पकारी को देखकर अचंभित हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने इस मंदिर के लिए 17 एकड़ जमीन दी थी। मुस्लिम देशों में संयुक्त अरब अमीरात इकलौता ऐसा देश है जो भारत के सबसे करीब है। कश्मीर में हुई G20 बैठक में संयुक्त अरब अमीरात भी पहुंचा था। वैसे तो संयुक्त अरब अमीरात G20 समूह का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत ने खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात को न्योता भेजा था। संयुक्त अरब अमीरात कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा भारत का साथ देता आया है। संयुक्त अरब अमीरात पहला इस्लामिक देश बन गया है जो कश्मीर में अब निवेश भी कर चुका है। खाड़ी देशों की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात में सबसे अधिक भारतीय लोग रहते हैं। इन सभी भारतीय लोगों को मंदिर बनने से बेहद खुशी मिल रही है। संयुक्त अरब अमीरात की कुल आबादी का 30% हिस्सा प्रवासी भारतीयों से बनता है।